नमस्कार, मैं विशेष अग्रवाल, सीईओ फाउंडर इजीवे ग्लोबल। चलिए आज हम बात करेंगे टॉप 10 कोर्स के बारे में। टॉप 10 ये ऐसे कोर्स है जिसको करके आप पैसा कमा सकते हैं, पैसा कमाना शुरू कर सकते हैं। तो आइए इस कोर्स के बारे में जानेंगे। इससे पहले आपको बता दें कि अगर अभी तक आपने मेरा फेसबुक ग्रुप नहीं ज्वाइन किया तो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। इस फेसबुक ग्रुप में 1,06,000 मेंबर हो गए जो कि आपस में डिस्कस करते हैं बहुत सारे जॉब्स को लेकर, बहुत सारे करियर ऑप्शंस को लेकर। बहुत सारे प्राइवेट कंपनी आती है प्लेसमेंट के लिए, उसका भी जानकारी आपको यहां मिल जाएगा। इसके अलावा आईटी से रिलेटेड बहुत सारे न्यूज है जो आपको सबसे पहले पता चलेगा। इसके अलावा आपके पास कोई डाउट होगा आप इसमें कमेंट करेंगे, पोस्ट करेंगे, तो मेरे अलावा ऐसे हजारों लोग हैं जो आपको रिप्लाई करते हैं। तो चलिए शुरू कर रहे हैं। आज टॉप 10 कोर्स के बारे में बात करने वाले हैं क्योंकि आज ना सेल्फ डिपेंड बनना बेहद जरूरी है, मतलब कुछ पैसे कमाना बहुत जरूरी है क्योंकि पॉकेट मनी के लिए भी बार बार परिवार वालों को परेशान नहीं कर सकते। ये टॉप 10 कोर्स करके आप पैसा कमाना शुरू कर सकते हैं, कहीं ना कहीं पार्ट टाइम जॉब करके आप पैसा कमाना स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो इसका नाम है कंप्यूटर रिलेटेड कोर्स। वैसे तो कंप्यूटर की बहुत बड़ी दुनिया है, कंप्यूटर में आईटीआई भी कर सकते हैं, डिप्लोमा कर सकते हैं, बीटेक कर सकते हैं, एमटेक कर सकते हैं, यहां तक कि पीएचडी भी होता है। तो उन सबसे मतलब नहीं है, आपको यहां पे कंप्यूटर का स्किल कोर्स करना है जिससे शॉर्ट टाइम करके आप पैसे कमाना शुरू कर सकते हैं। जैसे कंप्यूटर डीसीए कोर्स होता है में तीन चीजें होता है, एमएस वर्ड होता है, एमएस पावर पॉइंट होता है और एमएस एक्सेल होता है। इसके अलावा फोटोशॉप होता है, टैली होता है, इंटरनेट ब्राउजिंग होता है। ये सारे कोर्स करने के बाद आप तुरंत किसी न किसी ऑफिस में, किसी न किसी मॉल में, किसी बड़े शॉप में, किसी ऑफिस में किसी का पर्सनल असिस्टेंट बनकर काम करना शुरू कर देंगे। फोटोशॉप पे काम कर लेते हैं, फोटो एडिटिंग करना जान जाते हैं, फोटो बनाना जान जाते हैं, तो आप प्रिंटिंग प्रेस वाला के यहाँ जॉब कर सकते हैं, पार्ट टाइम कर सकते हैं क्योंकि उनके पास जितने भी कस्टमर आते हैं ना, सारा कस्टमर पहले डिजाइन बनवाते हैं, पहले फ्लैक्स पहले आपको कंप्यूटर में बनाना पड़ता है, इसके बाद प्रिंट होता है, मतलब वहां पे बहुत सारा काम होता है, फ्लेक्स का काम होता है, इसके अलावा विजिटिंग कार्ड का काम होता है, शादी वाला कार्ड है उसकी डिजाइनिंग होती है, बहुत सारे स्टिकर का डिजाइनिंग होता है, ये सारा काम वहां पर होता है जो बहुत बड़ा लेवल पर करना पड़ता है। अगर आप इसमें अध्यक्ष हो जाते हैं तो आपको घर बैठे वो काम मिल जाएगा। इसके अलावा बहुत सारे स्टूडियो है जो फोटो स्टूडियो होता है जहां पर फोटो खिंचवाते हैं, उस स्टूडियो से जुड़कर भी आप फोटो वाला काम घर बैठे कर सकते हैं, उनसे चीजों को लेकर फोटो बनाकर आप वापस दे सकते हैं। ये सारा काम है जो आप घर बैठे कर सकते हैं। इसके अलावा वीडियो एडिटिंग सीख जाते हैं, आप वीडियो एडिटिंग करना सीख जाते हैं तो बहुत सारा जो वीडियो एडिटिंग लैब है उनसे मिलकर घर बैठे अपना वीडियो एडिट करके दे सकते हैं। अगर आप कंप्यूटर में अच्छा पकड़ बना लेते हैं, अच्छा जानकारी हासिल कर लेते हैं, तो आप पार्ट टाइम के अलावा फुल टाइम भी काम कर सकते हैं। जैसे अपना एक शॉप खोलकर जहां पे फोटोकॉपी स्टेशनरी का सामान आइटम्स रखकर बेच सकते हैं, ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं, इत्यादि काम आप आसानी से कर सकते हैं। ये भी काम कहीं भी कर सकते हैं। आजकल गांव में भी सारा काम ऑनलाइन होने लगा, ऑनलाइन फॉर्म भरना पड़ता है, ऑनलाइन बहुत सारे किसान को बहुत सारी चीजें ऑनलाइन के माध्यम से दी जाती है, उनको भी फॉर्म ऑनलाइन आता है, तो आपको ये चीजें करना पड़ता है। ये रहा कंप्यूटर से रिलेटेड काम जो आप घर बैठे करके पैसा। डिजिटल मार्केटिंग है, अगर आप डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स कर लेते हैं, डिजिटल मार्केटिंग में अच्छा पकड़ हासिल कर लेते हैं, तो आप 5,000 से 10,000 रुपए घर बैठे कमा सकते हैं, आसानी से कमा सकते हैं, आपको कोई रोक नहीं सकता है। डिजिटल मार्केटिंग में अफिलिएट मार्केटिंग होता है, जैसे डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स कीजिएगा तो इसमें बहुत सारा चीज आपको करने को मिलता है। पहला होता है अफिलिएट मार्केटिंग। अफिलिएट मार्केटिंग ये होता है कि जैसे बोलते हैं ना कि दुकान आप खोलते हैं, दुकान खोलकर कुछ चीजों को बेचते हैं, आप मान लीजिए कॉपी बेच रहे हैं, तो जो कॉपी बनाया है कंपनी उससे कॉपी खरीदते हैं और कस्टमर को बेचते हैं, तो आपको बेचने का पैसा मिलता है कि आपने कॉपी को बेचा है उस कंपनी से लेकर, तो कंपनी वाले आपको कुछ प्रॉफिट देता है। इसी तरह अमेजॉन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, स्नैपडील हो गया, ईबे हो गया, बहुत सारे जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है वहां के अगर चीजों को आप अपने कस्टमर में, अपने आस पास के नेटवर्क में लिंक शेयर करते हैं, आपके लिंक के थ्रू कोई परचेज करता है तो आपको उसका पैसा मिलता है, ये होता है एफिलिएट मार्केटिंग। इसके अलावा ब्लॉग लिख सकते हैं आप, हो सकता है आईटीआई के बारे में भी लिखिए, अपने ट्रेड के बारे में लिख सकते हैं, बहुत सारे ऐसी चीज होता है ब्लॉग में जो आप आसानी से लिख सकते हैं। अगर आप एक वेबसाइट बनाकर आप ब्लॉग लिखते हैं तो उसमें भी बहुत सारे पैसे आते हैं, मतलब यूट्यूब से ज्यादा पैसा ब्लॉग में मिलता है। इसके अलावा आपको अगर इंटरेस्ट है किसी एक पार्टिकुलर एरिया में तो आप अपने यूट्यूब चैनल खोलकर वहां से भी अर्निंग कमा सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारी कंपनियां होती है, बहुत सारे लीडर्स होते हैं, बहुत सारे आसपास की जो दुकानें होते हैं वो प्रचार करवाते हैं अपना, उनका प्रचार आप सोशल नेटवर्किंग साइट पे आसानी से कर सकते हैं। आपके पास कस्टमर बेस ज्यादा हो गया है, आपके वेबसाइट पे बहुत सारे लोग जुड़ गए हैं, आप वहां पे उनका प्रचार कर सकते हैं, उस प्रचार का पैसा आपको मिलेगा। तो इस तरह से डिजिटल मार्केटिंग से
घर बैठे अगर चाहेंगे फुल टाइम टाइम देंगे तो आप 50,000 से 60,000 रुपए 1,00,000 तक रुपए आप आसानी से पर मंथ के हिसाब से कमा सकते हैं। तो ये डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स कहीं कहीं फ्री होता है, कहीं पैसा देकर करना पड़ता है, लेकिन आप ध्यान रखिएगा अचानक से पैसे देकर 5,000-10,000 रुपए देकर ये कोर्स नहीं करना है। आपको जितना फ्री ऑफ कॉस्ट में यूट्यूब पर जितना कंटेंट है पहले उसको सीखिए, वो सीख लीजिए तो आपको आइडिया मिलेगा कि डिजिटल मार्केटिंग कैसे होता है, उसमें क्या क्या करना होता है। मेरे वीडियो देखने के बाद डायरेक्ट किसी का कोर्स को परचेज नहीं करना है, आपको यूट्यूब पे डिजिटल मार्केटिंग का बहुत सारा फ्री में आपको कोर्स मिलेंगे जिसको आप पहले स्टडी करेंगे। ट्यूटर का, ट्यूटर मतलब टीचर बोल सकते हैं, टीचर जैसे होम ट्यूशन दे सकते हैं आप किसी पार्टिकुलर कॉलेज में स्कूल में जुड़कर अपने सब्जेक्ट का पार्ट टाइम जाकर आप क्लास ले सकते हैं, गेस्ट फैकल्टी के रूप में काम कर सकते हैं। और इसके लिए आपको मिनिमम 5,000 से लेकर 10,000 रुपए तक पर मंथ के हिसाब से आज कहीं भी जाइएगा, गाँव हो चाहे शहर हो, हर बच्चे को होम ट्यूशन पढ़ना बेहद जरूरी होगा, क्योंकि स्कूल की जो स्टडी हो गई है ना उस बहुत सारे चीजों में बच्चे उलझे रहते हैं, लेकिन फोकस नहीं कर पाते हैं मैथ पे, साइंस पे, अपने जो बेस वाला सब्जेक्ट है ना उस पर फोकस नहीं कर पाते हैं। तो उनको पढ़ाने के लिए घर वाले ट्यूटर रखते हैं, होम ट्यूशन लगा देते हैं। तो आप एक होम ट्यूशन पकड़ के आप पैसा कमाना शुरू कर सकते हैं, लेकिन उस सब्जेक्ट में आपको अच्छा पकड़ होना चाहिए, आपको किताबों का नॉलेज होना चाहिए, हिंदी और इंग्लिश में दोनों में आप आसानी से पढ़ा सकते हैं। तो आप आपका जो ट्यूटर वाला काम है, जो होम ट्यूशन वाला काम है आसानी से आप कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे प्राइवेट कॉलेज है जहां पे टीचर की कमी होती है, तो वहां पे आप पार्ट टाइम फैकल्टी के रूप में काम करके पैसे कमा सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे वेबसाइट है जहां पे ऑनलाइन आप अपने कंटेंट को पढ़ा सकते हैं और उससे पैसे आपको मिलते हैं। तो ये सारा चीज है, ट्यूटर का काम करेंगे तो पार्ट टाइम पैसे कमाना शुरू कर देंगे। इसके अलावा यूट्यूब चैनल बनाकर वहां पे आप पढ़ा सकते हैं बच्चों को, जो जानकारी आपको अगर अच्छा है, अच्छा पकड़ है, अच्छे से अगर पढ़ा पाते हैं तो आपको भी वहां से पैसा आना शुरू होगा। कोर्स होता है वो कंप्यूटर हार्डवेयर कोर्स होता है। आज के जमाने में कंप्यूटर हर घर में, हर एक ट्यूशन सेंटर में, हर दुकान में, हर जगह कंप्यूटर है और वो बड़े मात्रा पे है, जिसके चलते उसका मेंटेनेंस करना भी काफी मुश्किल होता है। जब कंप्यूटर खराब होता है तो अगर जल्दी से मेंटेनेंस हो जाता है तो बच्चों का जो काम होता है या किसी का भी काम होता है वो रुकता नहीं है। तो आप कंप्यूटर हार्डवेयर कोर्स करके किसी भी कंप्यूटर वाले दुकान से जुड़ सकते हैं, जिनके पास बहुत सारे कॉल्स आते हैं कि मेरा कंप्यूटर खराब हो गया, मेरा ये खराब हो गया, मेरा यूपीएससी काम नहीं कर रहा, मेरा सीपीएम काम नहीं कर रहा, मेरा मदरबोर्ड डैमेज हो गया, इत्यादि के कॉल आते रहते हैं। उनसे मिलकर उनका पार्ट टाइम काम जाके कर सकते हैं, किसी का कंप्यूटर का मेंटेनेंस कर सकते हैं, तो आपको वहां से पैसे आना शुरू हो जाएगा। नहीं तो 3 से 4 घंटे आप किसी कंप्यूटर शॉप वाले को देंगे तो उस समय भी वहां पर बहुत सारा कंप्यूटर रखा है जिसको रिपेयर करना पड़ता है, जिसको आपको इंस्टॉल करना पड़ता है, तो वहां से भी पैसे कमा सकते हैं। इसके अलावा सबसे बड़ा कोर्स है वो है मोबाइल रिपेयरिंग कोर्स। आज के जमाने में आपको पता नहीं होगा हर बच्चों के पास मोबाइल है, हर घर में 2 से 4 कहीं कहीं 5-6 मोबाइल होती है, मतलब मोबाइल की कमी नहीं है। उसका मेंटेनेंस करने के लिए एक मैकेनिक चाहिए। अगर आप अच्छे से मोबाइल एप्लीकेशन से लेकर हार्डवेयर तक आप रिपेयरिंग कर सकते हैं बढ़िया से, तो आप मोबाइल मैकेनिक बनकर पैसा कमा सकते हैं। और हर शहर में हर जगह मोबाइल का शॉप खुला हुआ है, वहां से मिलकर अपना काम ले सकते हैं, उनको उनको अपना बता सकते, विजिटिंग कार्ड दे सकते हैं कि किसी का मोबाइल अगर डैमेज हो तो हम आप रिपेयर कर देंगे। इस तरह का काम आप अपने स्तर से करके पैसे कमा सकते हैं। छठा कोर्स होता है इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट रिपेयरिंग कोर्स। इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट रिपेयरिंग कोर्स का मतलब होता है कि जितने भी आपके घरों में इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड चीजें होती है उसको रिपेयरिंग करना, जैसे वायरिंग करना, पंखा खराब होगा उसका वाइंडिंग करना, इसके अलावा मोटर हो गया, मतलब जितने भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट होते हैं उसको रिपेयरिंग शॉप खोल सकते हैं या ऐसे किसी दुकान से जुड़ सकते हैं जहां पे रिपेयरिंग की जाती है और उनके पास मैकेनिक्स की कमी हो, आप उनसे जुड़कर काम ले सकते हैं, काम कर सकते हैं, या पर्सनल बेसिस पे अपना विजिटिंग कार्ड अपने आसपास इलाकों में देकर नेटवर्किंग बना सकते हैं और होम सर्विस दे सकते हैं। होम सर्विस मतलब घर में किसी का पंखा खराब हो गया, जाकर उसका पंखा इंस्टॉल कर सकते हैं, किसी का बोर्ड लगाना हो, किसी का वायरिंग करना हो, आप जाके पर्सनली मिलकर काम कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट कोर्स करके आप पैसा अच्छा खासा कमा सकते हैं। तो रिपेयरिंग का कोर्स कर लेते हैं, अच्छे से इसको रिपेयर कर देते हैं, तो इसका भी आज डिमांड बहुत ज्यादा है, लेकिन ये सीजनल है, ठंड के दिनों में इसका कोई यूज नहीं होता, लेकिन जैसे ठंड खत्म होता है गर्मी आती है, तो गर्मी में कितने भी अच्छा एसी हो, कितने भी अच्छा फ्रिज हो, उसका मेंटेनेंस करना पड़ता है, कूलर होता है उसका भी मेंटेनेंस करना पड़ता है। तो आप मेंटेनेंस मैकेनिक बनकर काम कर सकते हैं, लेकिन इसमें कुछ ज्यादा स्कोप नहीं है क्योंकि ये सीजनल है, पूरे साल इसमें काम आपको नहीं मिलता। प्लम्बर का, प्लम्बर आजकल बहुत कम मिलते हैं, मतलब कोर्स में ऐसे तो आईटीआई में प्लम्बर का कोर्स कराया जाता है, लेकिन पर्सनल बेसिस पर देखिएगा कि प्लम्बर खोजने जाइएगा नहीं मिलेगा।
तो बहुत सारे जो हार्डवेयर के दुकान होते हैं जहाँ पे पाइपें बिकती है, नल बिकता है, मतलब जो होम मेड रिलेटेड सामान मिलता है, वहां पर अपना विजिटिंग कार्ड देकर आप होम सर्विस दे सकते हैं। एक प्लम्बर अगर आपके घर आता है तो कम से कम मिनिमम उसका जो चार्ज है 300 से 400 रुपए होते हैं। 1 घंटे के लिए आप 300 से 400 रुपए डिमांड कर सकते हैं, आपको पैसा मिलेगा। तो प्लम्बर का भी कोर्स बहुत अच्छा होता है, और ये अपने आसपास के नेटवर्क में अगर आप अपना नेटवर्क बना लेते हैं तो आपको काम आसानी से मिलता है। और प्लम्बर के लिए तो डेली नए नए मकान बनते हैं, जहां नया मकान बनता है वहां प्लम्बर का काम पड़ेगा ही, तो वहां जाकर उनसे मिलकर आप प्लम्बिंग का काम करते हैं। ऑटोमोबाइल रिपेयरिंग मैकेनिक्स, अगर आप ऑटोमोबाइल का मैकेनिक्स बन जाते हैं तो आजकल बाइक्स, कार, ट्रैक्टर, बहुत बड़े बड़े ट्रक है, बहुत सारी चीजें हैं जो ऑटोमोबाइल में आते हैं, और उनका रिपेयरिंग करना बेहद जरूरी होता है। सर्विसिंग तो हर 1-2 महीने के बाद सर्विसिंग करना पड़ता है, तो आप इसका भी काम पार्ट टाइम कर सकते हैं। किसी ऐसे रिपेयर शॉप से जुड़ कर आप पार्ट टाइम अपना टाइम देकर वहां पे काम कर सकते हैं या सीख सकते हैं, और ये सबसे बड़ा स्कोप वाला काम है। अगर आप इसमें अच्छा जानकार बन जाते हैं तो आपको हर शहर में, हर मोहल्ले में ऑटोमोबाइल रिपेयरिंग का शॉप मिल जाता है, जहां पे उन लोगों को काफी डिमांड रहता है मैकेनिक्स का, क्योंकि मैकेनिक्स की कमी होती है, और सभी ऑटोमोबाइल कंपनियों को गाड़ियों को सर्विसिंग करना पड़ता है, और यही एक कारण है कि आपको कभी कस्टमर का कमी नहीं पड़ेगा। हर 1-2 महीने बाद रिपीटेड कस्टमर आता है, मतलब जिस कस्टमर का आप सर्विस करके दिए वो दोबारा सबके यहाँ आएगा, मतलब लगातार आपको कस्टमर की कमी होना ही होने वाला है। इसीलिए अगर ऑटोमोबाइल रिपेयरिंग में कर लेते हैं तो आप किसी भी शॉप में जुड़कर पैसे पार्ट टाइम कमा सकते हैं। डिप्लोमा, आईबीएम डिप्लोमा एक्चुअली ये कंप्यूटर क्लाउडिंग कोर्स है, मतलब कंप्यूटर से रिलेटेड जितना भी कोर्स होता है, सॉफ्टवेयर का हो, एंड्रॉइड एप्लीकेशन का हो, या डेवलपर बनना चाहते हैं, वेब डिजाइनिंग बनना चाहते हैं, तो आप इस कोर्स को कर सकते हैं। आईबीएम डिप्लोमा, आईबीएम एक कंपनी है जो वर्ल्ड लेवल पे है, उसी कंपनी के थ्रू, डीजीटी के थ्रू ये कराया जाता है। कंपनी वो ऑफर करती है आपको ये कोर्स, डीजीटी के जो एनएसटीआई कॉलेज है उसके थ्रू ये करवाती है। अगर आप आईबीएम डिप्लोमा कर लेते हैं तो आपका प्लेसमेंट उसी आईबीएम कंपनी में हो जाता है, नहीं तो बहुत सारे जो सॉफ्टवेयर कंपनियां होती है, इंफोसिस है, टाटा कंसल्टेंसी है, इत्यादि कंपनियों में आप एज ए सॉफ्टवेयर डिजाइनर, वेब डिजाइनर इत्यादि का पोस्ट पे आपको रिक्रूटमेंट हो जाता है। कोर्स करने के दौरान ही आपको स्टाइपेंड मिलना शुरू हो जाता है, मतलब 1 साल जैसे ये कोर्स कंप्लीट कीजिएगा तो आपको कंपनी में आपको जाकर प्रैक्टिकल रूप से काम करके सीखना होता है, तो इसमें आपको पैसा वहीं से मिलना शुरू हो जाता है, मतलब स्टार्टिंग से पैसा मिलना शुरू हो जाता है। तो आईबीएम डिप्लोमा आपके लिए एक बेहतर ऑप्शन है, और इसके लिए आप निमी ऑनलाइन का जो वेबसाइट है उस पर जाकर आप इसके बारे में डिटेल्स में जानकारी ले, हम बताए हैं ये सारे कोर्स करके आप पैसे तो कमा सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप केवल पार्ट टाइम ऐसे कोर्स कर लिए, जानकारी लेना है, सर्टिफिकेट नहीं लेना, इसमें आपको स्किल नॉलेज लेना है, आपको सीखना है काम। आपको सर्टिफिकेट अगर आप केवल ले लेंगे तो आपको इससे कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, इसलिए आप ना अपने आप पर कमांड कीजिए, स्किल को डेवलप कीजिए, तभी आप इससे पैसे कमा सकते हैं, और पार्ट टाइम या फुल टाइम जैसे भी आप पैसे अच्छा अर्न कर सकते हैं। तो ये रहा आपका टॉप 10 कोर्स जिसके माध्यम से आप पैसा कमाना शुरू कर सकते हैं और पार्ट टाइम काम कर सकते हैं। वीडियो कैसा लगा लाइक करके जरूर बताइएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। किसी भी जितने कोर्स में बताया हूँ, इस कोर्स में किसी को डिटेल्स में समझना हो तो डिटेल्स में हम वीडियो बना देंगे, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कौन सा टॉपिक पे हम वीडियो आपको बनाएं, आपको वीडियो बनाकर बताएं कि आपको कैसे करना है, और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए तो आज के लिए बस इतना, थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो, एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।